In the series of inspiring interviews, today we have with us Purnima KOUL ma'am. Ma'am, आपके बारे में बहुत हमने सुना है और अच्छा ही सुना है और आप थिएटर में आपने काफ़ी काम किया है, बच्चों के साथ बहुत काम किया है, पेंटिंग्स भी की हैं और आप काफ़ी समय तक पेंटिंग्स भी सिखाते रहे हैं, एस जे पब्लिक स्कूल में भी रहे आप एज एन, तो अपना पूरा ये सफ़र आपका कैसा, ये एक रोमांचक सफ़र आपको लगता होगा आज, तो आप इसे थोड़ा बताइए कि कैसे शुरुआत हुई इसकी, आपका जन्म स्थान जोधपुर रहा, तो बताइए वहाँ से बताइए कैसा परिवार परिवेश कैसा सब? हर पल मतलब पेंटिंग शुरू से मेरा पैशन तो रहा था। जब एमए में सब्जेक्ट लेने की बात आई तो मेरी मम्मी बिल्कुल अगेंस्ट थी इसकी, बोलते ढंग की पढ़ाई करो, एमबीए करो, ये करो वो करो, बट मेरे पापा हमेशा कहते थे कि ड्राइंग का नाम आते ही इसकी आंखों में चमक आ जाती है, तो मेरे पापा की वजह से मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए किया। पीएन जोएल और डॉक्टर शैल जोएल वगैरह हमारे गुरु रहे, तो आई वाज लकी और अच्छा रहा वो सफ़र बहुत। इसी बीच जब मैं एमए कर रही थी उसी वक्त उदयपुर के जाइनस ने हमको 12 स्टूडेंट्स को एक यूरोप टूर पर भेजा था, तो वो फेज बहुत अच्छा रहा कि इधर हमने जो पढ़ा वो का वो वहाँ लूर आर्ट गैलरी और सस्टाइन चैपल सब देखने को मिल गया। आई वॉज वेरी लकी दैट वे। लकी तो मैं शुरू से रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले अपने घर में, 5 बहनों और एक भैया, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी सबसे बड़ी दीदी प्रोफेसर थी मैथमेटिक्स की जोधपुर यूनिवर्सिटी में, और मेरे भैया सबसे पहले एमबीए थे राजस्थान के, वो लड़िया जी। अच्छा। और मेरी एक सिस्टर जो डॉक्टर हैं, शी वॉज दी फर्स्ट वन टू ब्रिंग अल्ट्रासाउंड इन राजस्थान, फर्स्ट लेडी डॉक्टर, वैसे सेकेंड थी। तो अच्छा, आपका एजुकेशन पूरा उदयपुर में हुआ? जी, एजुकेशन उदयपुर में हुआ। जैसे आपने बताया कि वहाँ के प्रिंस से भी उन्होंने आपको बाहर भेजा, और फिर आपका ये यहाँ तक तो एजुकेशन की बात आती है, आप बाहर का टूर भी आप होके आए, बाहर भी होके आए, फिर आपका मैरिज का कैसा रहा? मैरिज तो मेरी अरेंज इंटरकास्ट मैरिज थी आज के 40 साल पहले। अच्छा। है ना, आई वॉज मैरिड टू अ कश्मीरी, मैं उदयपुर की वो श्रीनगर के, बट इट वॉज एन अरेंज इंटरकास्ट मैरिज थ्रू टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उससे तो काफ़ी बातचीत हुई होगी परिवारों में, बोले भाई देखो। हाँ बिल्कुल, दो कल्चर का रेवोल्यूशनरी, एक तरह से एक रेवोल्यूशनरी है। तो आप समझिए कि मैं ऑल इंडिया से ही हूँ, समझ लीजिए ऐसा, क्योंकि आई वाज बॉर्न इन राजस्थान, पापा एमपी के, मम्मी यूपी की, बनारस की, और शादी होके मैं गुजरात में गई, शादी हुई कश्मीरी से, मेरा बेटा रहता है बॉम्बे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी वाइफ लड़की आई दिल्ली से, तो ऑलमोस्ट हम रहे गुजरात में, ऑल ओवर इंडिया ही हो गया, पूरा भारत। जी पूरा भारत। तो इसमें आपने जैसे बताया आप गुजरात भी रहे, तो गुजरात आप कितने समय रहे, कहाँ रहे? 8 साल सूरत में रहे। अच्छा। मेरे हस्बैंड वहाँ गार्डन सिल्क मिल्स के चीफ डिज़ाइनर थे। गार्डन सिल्क मिल्स में चीफ डिज़ाइनर, हालांकि वो एमएस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, वो भी पेंटिंग के थे, कमर्शियल आर्ट के, मगर उन्होंने अपना करियर शुरू किया टेक्सटाइल डिज़ाइन। गार्डन की साड़ियों का तो बड़ा उस पर ऐड आते थे दूरदर्शन पे, गार्डन वाज नोन फॉर इट डिज़ाइन गार्डन वरेली एंड दीस वर द रेंजेस। ही वाज बेसिकली एन आर्टिस्ट। जयपुर आने के बाद फिर हम लोग कश्मीर से जब भगा दिए गए, अच्छा, 21 फरवरी 1989, दैट मस्ट बी अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आई वुड से। बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, नासूर था वो, याद भी नहीं करना चाहते। 13 कमरे का बड़ा खूबसूरत सा मकान छोड़ के आए हम लोग, फिर सब बिखर गए, कोई राजस्थान कोई के, तब ये इंटरकास्ट मैरिज काम आई, कि बाकी सब आउट ऑफ श्रीनगर थे, तो सभी भाइयों की हमारी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। तो उदयपुर वाले मेरे घर वालों ने हमको ऐसे संभाल लिया हाथों में, फिर हम सेटल हो पाए। आप जब जयपुर भी आपका रहना हुआ, यहाँ पे भी आपने काम किया? पिछले 20 सालों से 20 साल से आप जयपुर हैं, तो यहाँ पर आप एज ए टीचर रही हैं? हाँ, मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया है, वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी पढ़ाया है, उदयपुर में भी जी, और प्रयास और निर्मल विवेक के कॉलेज में भी पढ़ाया है। अच्छा। और स्कूल में भी पढ़ाया, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड को भी पढ़ाया और
बीए को एमए को भी पढ़ाया है। अच्छा, और आपने फाइन आर्ट्स में? मैंने एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो ड्राइंग आपका पैशन रहा है? हाँ, अभी आजकल मैं मास्क बनाती हूँ, आनंद। अच्छा, मास्क। अच्छा, और पैशन तो मेरा रहा है ये स्क्रिप्ट राइटिंग एंड फिल्म। थिएटर में भी आप एक्टिंग रही हैं? थिएटर, छोटी छोटी फिल्में भी बनाती हैं? हाँ जी, थिएटर वॉज माई पैशन। हमारा सौभाग्य होगा अगर आपके साथ काम करने का मौका मिले। जैसे आपने कुछ संस्थाओं के नाम लिए, तो मैं नाम लेना चाहूँगा, मैसेज के साथ आप जुड़ी हुई, सोशल अवेयरनेस में? मैसेज के साथ हम सोशल अवेयरनेस के काम करते हैं, और चिकित्सा ज्योत के साथ भी आपने काम किया, ऑर्गन डोनेशन के साथ जो जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और आइजैक के साथ भी काम किया, जो कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक देश दूसरे देश में स्टूडेंट्स जाते हैं और आते हैं और एक दूसरे देशों का कल्चर सीखते हैं और वहाँ की लाइफस्टाइल। उनको मैं होस्ट भी करती हूँ और उनको ट्रेनिंग भी देती हूँ, ट्रेनिंग भी देते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की, ट्रेनिंग भी देते हैं। और निर्मल विवेक के साथ में भी आपने कुछ प्रोग्राम्स किए, सेरेब्रल पाल्सी और हौसले की उड़ान जैसी कुछ फिल्में, अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपने कुछ बनाए हैं, कुछ फिल्म बनाई हैं। तो आपका यहाँ ये कैसे, ये जो एक्सपीरियंस है, कैसे एक्सपीरियंस रहा? आप एक पेंटिंग की दुनिया से निकल के आप थिएटर में भी आए, आप स्क्रिप्ट भी लिखते हो, आप ये भी एक मजेदार कहानी है। हाँ। जो प्रयास की मालकिन थी जतिंदर कौर, शी वॉज माई फ्रेंड, उसने मुझे एक दिन बुला के कहा, दीदी आपको फिल्म बनानी है। मैंने कहा पागल हो गई क्या, मैंने कैमरा नहीं देखा आज तक अपनी आंखों से, मतलब बड़े कैमरे को। कहते मैं नहीं जानती, आई नो यू कैन डू इट, आप जो सोचते हो कर ही लेते हो, और मुझे चाहिए और 15 दिन के अंदर चाहिए सेरेब्रल पॉलिसी। फिर सब क्या सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत, और पता नहीं क्या हुआ कि बन गई, बना दी, एक समझ बनाई। और उसको सबसे अच्छी बात हुई कि कलाम साहब ने उसको रिलीज़ किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कलाम साहब ने हम लोग को चाय पे बुलाया था, प्रयास के 50 बच्चों को, हम लोग राष्ट्रपति भवन गए थे, वहाँ उन्होंने उसको रिलीज़ किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो सबसे अच्छा मंच होता है जहाँ पे अवेयरनेस के लिए, जब राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन से रिलीज़ करे, बहुत सबसे बड़ा मंच बन जाता है, बहुत अच्छा। तो आपका बच्चों के प्रति आज भी आपका लगाव है, आप थिएटर भी करती हैं और बच्चों के लिए फिल्में भी बनाती हैं, एक्टिविटीज़ में भी भाग लेती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करती हैं। तो इन सब में जो बच्चों, आप भी अब कभी कभी मैं देखता हूँ आप भी एकदम बच्चों की तरह एकदम एक ही हो जाती हैं, उनके साथ एक ही हो जाती हैं। वो कहते हैं ना कि किसी मासूम के तसव्वुर में उतर जाएँ तो शायद ये समझ पाएँ कि खुदा ऐसा भी होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो ये आप पूरे इस जीवन को एक निचोड़ की तरह देखती हैं। हाँ। कि जो निरंतर प्रवाह की, क्या अनलकी इनफ कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा सब्जेक्ट रहा है, ड्राइंग एंड पेंटिंग और मास्क बनाना एंड थिएटर करना, इन सबका जुड़ाव क्रिएटिविटी से है। तो शुरू से एक रुझान ऐसा ही रहा कि कुछ अलग हटके किया जाए, अलग हटके करने में बड़ा मज़ा आता था। उदयपुर में आज के 40 साल पहले हमने एक बार किया कि सड़क ब्लॉक कर दी, एक तरफ बुलडोज़र खड़ा कर दिया, एक तरफ दूसरी चीज़ से ब्लॉक कर दी। और एक मेरे पापा ने ला के दिया था, यूनिसेफ का एक पेपर था उनके पास, 100 फीट लंबा पेपर था, 5 फीट चौड़ा था, और सारे विद्यमान के बच्चों ने मिलके उस पर ड्राइंग बनाई। इतना मज़ा आया, एक दिन के अंदर 100 फीट लंबी एक पेंटिंग तैयार हो गई, मज़ा आया। वो तो एक रिकॉर्ड रहा होगा। तो वो पैशन चलता रहा। ऐसे पब्लिक स्कूल में भी मैंने एक बार, बहुत बड़ा हमारा क्रिकेट का इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड है, तो उस पर एक ह्यूमन चेन से पूरा इंडिया का मैप बनाया, पहले मैंने रस्सी से, फिर उसके ऊपर बच्चों को खड़ा किया, उसका नाम दिया था हम हैं प्रहरी भारत दिया, और अंदर कुछ ऐसे करप्शन वगैरह दिखाए थे कि दुश्मन बाहर से ही नहीं आता, अंदर भी होता है। वो आजकल हम लोग आज बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं और हम उससे निपटारा भी कर रहे हैं, तो वो ही दिखाया था हमने। और एक बार ह्यूमन चेन से बच्चों की, जिन दिनों वोटिंग फॉर ताज चल रहा था, तो वाह ताज करके ह्यूमन चेन से बच्चों से ताजमहल बनवाया था। आप जो इतनी सभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चों के लिए यूनिक तरीके से ये सब चीज़ें करते हो, तो आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बच्चे इनसे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, एक्टिविटी से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं? पढ़ाई में भी, जैसे कभी हमको एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ जाती थी एज सब्स्टिट्यूट, तो मैं ग्लव पपेट भी बनाना सिखाती हूँ, तो मैं बच्चों से पपेट के थ्रू पढ़ाते थे ना। आप एक टीचर पढ़ा रहा है और अगर एक पपेट पढ़ा रहा है तो बच्चों को तो बिल्कुल अपना लगता है वो पपेट। बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं बात, कनेक्ट होते हैं बहुत जल्दी। बहुत जल्दी।
और बच्चे काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, ये बात हमको बच्चों के साथ काम करके पता चल लगती है। इनफैक्ट तो मैंने क्या बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने मुझे पढ़ाया। ये विद्यार्थी होने का एक अच्छे शिक्षक होने के पहली निशानी कि वो अपने को अंत तक विद्यार्थी मानता है। नहीं वो हम तो हैं, आर्ट तो हमेशा ही आर्ट का स्टूडेंट ही रहता है। मास्टर तो मास्टर, बड़े बड़े मास्टर नहीं बन पाए, हम क्या बनेंगे। मुझे ध्यान है मुझे 5वीं 6वीं क्लास में मैंने ब्रश उठाना सीखा था और बहुत अच्छा फील होता था, और घर परिवार मेरी मौसी ने मुझे सिखाया था। और आज जब मैंने करीब 20 साल बाद ब्रश उठाया तो हाथ मेरा 20-30 साल बाद हाथ ऐसे चल रहा था जैसे मैंने छोड़ा ही नहीं हो। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं आप कि ये चीज़ कभी नहीं जाती। अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी जो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जो बच्चे हैं, इनको और ज़्यादा इन पर कैसे इनको इन्वॉल्व किया जा सकता है काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर कि जिसमें ये और निखर के निकलें, क्योंकि हर एक का कोई किनेस्थेटिक किसी का ज़्यादा होता है, एबिलिटी ज़्यादा होता है, किसी की पिक्चरल एबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की साउंड को लेके एबिलिटी ज़्यादा है, कोई डांस में एबिलिटी, कोई स्पेशल एबिलिटी ज़्यादा होती हैं। तो आप ज़्यादातर मैं समझता हूँ विजुअल एबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के साथ आप काम करती हैं, तो जब कभी ऐसा होता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर बच्चा जो है ये विजुअल एबिलिटी वाला है, ये किनेस्थेटिक एबिलिटी वाला है, आप कैसे आइडेंटिफाई? थिएटर में तो बड़ा चैलेंज होता होगा। बिल्कुल होता है, जैसे पेंटिंग मैं छोटे बच्चों के साथ भी डील करती थी, तो पेंटिंग में भी मैंने उनको कभी ऐसे बोर्ड ड्राइंग और ये सब तो कराया नहीं। एक आध बार मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल भी हुई है इस बात पर लेकर के कि भाई आप बोर्ड पर तो ड्राइंग बनाती ही नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई मैं उनको पूर्णिमा कॉल अपना रेप्लिका थोड़े बनाना है, श्याम श्याम रहना चाहिए, राम राम रहना चाहिए अपने ओरिजिनलिटी के साथ। तो आई यूज़ टू गिव देम सब्जेक्ट लाइक दिस, लाइक एक बार मैंने उनको सब्जेक्ट दिया कि सर रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स होते हैं यू नो, तो एक बार सब्जेक्ट दिया कि हाउ विल बी द लाइफ इन द नेक्स्ट न्यू मिलेनियम। तो बच्चों को बताया तुम भी नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे होंगे, तब लाइफस्टाइल क्या होगा, कैसा होगा, कैसे घर होंगे, कैसे लोग होंगे, उसको विजुलाइज करो, इमेजिन वो विजुलाइज करो, है ना। एक बार टॉपिक दिया कि लेट्स गो टू सम अनदर प्लेनेट, है ना, लेट्स गो टू सम डिस्टेंट प्लेनेट, वहाँ की लाइफ कैसी होगी, वहाँ आप एलियंस होंगे। अब बच्चों ने क्या कल्पना की, आप और मैं वो वाकई नहीं कल्पना कर सकते। उन्होंने एक ने बनाया बच्चे ने कि हम तो वहाँ पे एलियन थे, जैसे ही हम उतरे तो वहाँ की पुलिस ने हमको पकड़ लिया और जेल में बंद कर लिया, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने पानी मांगा पीने को तो वो डर गए, वो पानी के नाम से डरते थे। फिर मैंने खिड़की के बाहर से देखा तो अंगारे बरस रहे थे, बारिश की जगह अंगारे बरसते थे वहाँ उस प्लेनेट पे, और बच्चे अंगारों से खेल रहे थे। फिर उन्होंने एक प्लेट में ला के मेरे को अंगारे दिए कुछ खाने को, तो मैं डर गया। इस तरह की बातें बच्चे इमेजिन करते, इतना हम नहीं इमेजिन कर सकते, ये तो बियॉन्ड एकदम साईफाई मूवी की तरह। बिल्कुल बस ये है कि टीचर का काम, खासतौर पे आर्ट टीचर का काम ये होता है कि उनको प्रोवोक करना, पलीता लगाना है बस इमेजिन करने के लिए। लाइक सीधी लाइन खींचनी तो उनको कभी भी आ जाएगी, एग्जैक्टली वैसा बनाना कभी भी आ जाएगा, पर अगर इमेजिनेशन अभी हमने तोड़ दी तो उनको कभी नहीं इमेजिनेटिव में बनेंगे। तो इमेजिनेटिव में बनेंगे तो क्रिएटिव कैसे बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब वो बड़े हो जाएंगे और जब युवा होंगे, जब काम नौकरी काम धंधे कुछ भी करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो वहाँ पर ये बहुत चीज़ें बहुत काम आती हैं। जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो चीज़ों को कॉन्टेक्चुअल वे में समझने में, कॉन्सेप्ट में बहुत काम आती है, क्योंकि आजकल 90% विजुअल हो गया सब कुछ, विजुअल मीडियम ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं। जैसे हमारे SJ में मेरे बच्चों से, सेकंड से फिफ्थ तक के बच्चों से, एक पूरे दिन भर में मैंने एक 50 फीट लंबा कैलेंडर बनवाया, कैलेंडर विदाउट डेट, और उन्हीं दिनों बिल क्लिंटन का जयपुर आना हुआ था। तो हमें लगा ये है हिंदुस्तान से प्यार करने वाला आदमी, इनको गिफ्ट करते हैं। पहले समझ नहीं आया किसको गिफ्ट करें, तो अचानक अब उनसे मिलना भी एक मुश्किल प्रोसीजर था, तो मेरे को सबने निराश किया, देखो पॉसिबल नहीं होगा, उनसे मिलना पॉसिबल नहीं होता है, पर मैंने कहा लेट मी ट्राई, और ट्राई किया, हो गया फॉर्चुनेटली मिलना। हाँ, तो उनको जब हमने किया तो क्लिंटन ने भी यही पूछा,
How can be a calendar without date? Without dates. Calendar is for dates. तब हमने क्या मेरे बच्चों ने बनाया था जनवरी से लेकर दिसंबर तक के हमको एक एक स्लॉट दे दिया गया था उसमें फेस्टिवल्स बनाए थे तो आई सेड हिंदुस्तान में तो जनवरी मकर संक्रांति से जाना जाता है फरवरी शिवरात्रि से जाना जाता है अक्टूबर नवंबर दिवाली और दशहरा से जाने जाते हैं ही वाज माइटी प्रेसिस सेड मैं उसको ऐसी जगह हैंग करवाऊँगा जहाँ मैक्सिमम लोग देखें व्हाट इंडिया इज इतने कल्चर इतने त्यौहार हमारा तो एक त्यौहार होता है बस बिल्कुल वो क्रिसमस जो क्रिसमस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं तो हमारे चौथे दिन एक त्यौहार है और हम महीनों को महीनों की तरह तारीखों को तारीखों की तरह नहीं देखते हम त्यौहारों से याद रखते हैं बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे आप इसी तरह से अलग चलाते रहें बच्चों में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मन में आप इस तरह की जिज्ञासाएँ जगाते रहें और उनको और ज़्यादा क्रिएटिव बनाते रहें और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें थैंक यू अब आजकल के बच्चे थोड़ा सा मोबाइल में और थोड़ा सा नहीं सारे टोटली बहुत ज़्यादा इंग्रॉस हो गए हैं बच्चे और हम भी हो गए हैं गलत बात है पर हो गए हैं है ना एडिक्शन हो गया हम लोग सबको और बच्चों को तो जितना बन पड़े उनको दूर रखा जाए 12 साल तक तो कम से कम बिल्कुल 12 साल कम से कम कम से कम उनको हाथ क्योंकि उनका जो पूरा ओरिएंटेशन है जो मानसिक विकास है उस दौरान खुली हवा में खेलते भेजे देसी खेल खेलें सतोलिया खेलें गिल्ली डंडा खेलें इन सबसे जो कितनी बातें सीखने को मिलती हैं जो आजकल के बच्चों को आती ही नहीं नहीं आती आज तो आप ड्राइंग रूम में जाइए किसी के घर तो बच्चा निकल के ड्राइंग रूम में नहीं आता मिलन सारिता ये सब मिलना जुलना तो ख़त्म होता जा रहा है ये हमारी आपकी जनरेशन तक है बस उसके बाद नहीं रहेगा आजकल के बच्चे अवॉइड करते हैं अपने अवॉइड करते हैं रिश्तेदारों के यहाँ जाना अवॉइड करते हैं आप लोग चले जाओ हम नहीं जाएंगे उनके पास बहुत कुछ है करने को तो ये जो और उनको क्रिएटिविटी की तरफ पुश करना ज़रूरी है बिल्कुल क्रिएटिविटी की तरफ नॉन सोशल होते जा रहे हैं बच्चे सोशलाइजेशन उनका ज़रूरी है बाहर निकलना तो ये जो वर्कशॉप्स हम करते हैं ये बहुत ज़रूरी है इन वर्कशॉप्स में उनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए थिएटर की वर्कशॉप्स होती हैं आपके पेंटिंग्स पे हैं और इस पर किसी भी क्रिएटिव किसी भी आजकल हर चीज़ डिज़ाइनर हो गई है आप डाइनिंग टेबल लगाते हैं उसमें भी क्रिएटिविटी है द वे यू कट योर सैलेड द वे यू डिस्प्ले योर प्लेट ये वो हर बात में क्रिएटिविटी है क्रिएटिविटी का तो कहीं कोई अंत ही नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि अगर बच्चे इसको प्रोग्राम को देख रहे हों या बच्चों के माँ बाप भी इस प्रोग्राम को देख रहे हों या जो आने वाले समय में माँ बाप बनेंगे तीनों कैटेगरीज के लोगों के लिए एक ही बात कहने चाहेंगे कि मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना के रखें उतना ही उसको यूज़ करें कि जितना